मैं जब ऑन कर रहा हूँ मेरी बैटरी शायद से डेड हो गई है। कल का दिन 29 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नहीं भूलने वाला। उसके अलावा दूसरी बार बाइक पार्क थी, मैं बैठा हुआ था अच्छे से, तब भी मैं गिर गया। ये रास्ता है, कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज मैं घाट में कहीं पर तो रुक गया हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ पर हूँ मैं, बट मैं रुक गया हूँ। रात के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने मेरा यहाँ पर टेंट लगाया था। बाइक यहाँ पर है, मैंने बैटरी निकाल ली है। किसी भी जगह को लेकर, किसी भी रूम को लेकर ना इतना अटैच नहीं होता हूँ, बट लेकिन मेरे बेड को लेकर, ये पूरे डॉर्म को लेकर मैं इतना अटैच हो गया हूँ ना। क्यों? जगह अच्छी है, नो डाउट, जगह तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर जो मेमोरीज मैंने बनाई है ना, वो मेमोरीज लाइफ टाइम मेरे साथ जाने वाली है। अब बात करते हैं मनाली में अपना क्या क्या रह गया है। जोगनी वाटरफॉल्स ट्रैक रह गया, हमटा पास ट्रैक रह गया, कसौल से एक खीर गंगा, ये सारे मैंने ट्रैक छोड़ दिए। बात करते हैं अपन ने क्या क्या जगहें की है। खोक्सर, दारचा, जिसपा, सिसु, अटल टनल, मॉल रोड, हडिम्बा, वशिष्ठ टेम्पल, कसौल, मणिकरण। फोकस है ना इस पर करना है, जो जो चीज़ें अपन ने की है। कहते हैं ना, अगर चीज़ें अधूरी यहाँ पर नहीं रहेगी तो वापस मैं कैसे आऊँगा। व्यास रिवर पर जाकर करना कुकिंग, ये सारी चीज़ें अपन ने की है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो वाइब है ना, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वशिष्ठ में, लाइक हर एक, ये जो नीचे दिख रहा है ग्रीन वाले से दिखता है पूरा माउंटेन्स एंड सनसेट होते हुए यहाँ पर, ये पहाड़ियों पर ऐसे सनसेट हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली वर्थ, पूरा ब्यास का व्यू दिखता है। और स्नोफॉल होने पर ना यहाँ पर दो दो फीट तक बर्फ जम जाती है। मैं थोड़ा स्नोफॉल के पहले जा रहा हूँ, उसका मुझे दुख है, बट लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है, ये जगह पर मैंने इतनी सारी मेमोरीज बनाई है ना, इतनी सारी। और उसके अलावा ये जो चीज़ है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा लावाका में हमारा नाम रहने वाला है, हमारी ग्रुप का पूरा जो थे यहाँ पर। यू विल लव दिस प्लेस यार, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। यू विल लव दिस प्लेस। ओल्ड मनाली बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बट वशिष्ठ में लावाका, यू विल लव दिस प्लेस। एम्बियंस एवरीथिंग, मेरे लिए एम्बियंस मैटर करता है, वॉशरूम मैटर करता है, और वाइब तीनों तुम्हें यहाँ पर मिल रहे हैं, मैंने सजेस्ट कर दिया है। बाकी आना नहीं आना तुम्हारा काम है, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये चीज़ वन मिस दिस। चलो गाइस हैव फन, जैसे पहुंच जाओगे कहीं पे। यस 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 यस, चलो बाय। यप बाय। ऑन माय लेफ्ट वशिष्ठ टेंपल एंड वशिष्ठ मार्केट, मेरे पीछे रह गया लावाका वशिष्ठ, कुछ रह गया, ओ शिट, यादें रह गई है यहाँ पर। अब सामने है बियास रिवर, मेरे राइट से आ जाएगा रोहतांग, अटल टनल, सब कुछ, लद्दाख ले, हमारे सामने हमारी है मंजिल। अब अपनी मंजिल आगे, अब सीधा सीधा जाते रहना है अपन ने। मेरे पीछे राइट में ऊपर मनाली का मॉल रोड, मॉल रोड इज़ अ हाइप। वहाँ पर शॉपिंग जाओगे, बार्गेन अच्छे से करना, अगर बार्गेन नहीं करोगे लुट जाओगे। खाने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ है, मेक श्योर यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। हडिम्बा वहाँ से आगे जाना 1.5-2 किलोमीटर है, मज़ा आएगा, अच्छी वाइब है वहाँ पर। एंड दिस वॉज प्राइवेट बस पार्किंग पीछे मेरे। तू फैंटम क्यों बना है, क्या हो गया तुझे, चल साइड में चल रोड के। चलो चल साइड चल, हाँ वेरी गुड, उड़ा कर चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। यार इतने सुंदर मनाली को छोड़कर जाने के लिए इतना लाइक हैवी हो गया ना मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल है, परंतु अपने को आगे जाना पड़ेगा। आगे की जगह अपना इंतज़ार कर रही है। प्लान बड़ा ही सिंपल है, 6 घंटे का राइड है, मैं निकला हूँ समवेयर अराउंड 10:45 के अराउंड, और मेरा प्लान था निकलने का एक्चुअली 9 बजे का, बट जो ठंड थी ना, अबे हाथ क्या दिखा रहा है यार, उड़ उड़ जाएगा तू साले। ठंड जो थी ना सुबह, मैं बोला नहीं भाई आराम से निकलेंगे, अपने वो कहाँ का ही है, अच्छा खासा स्ट्रेच देंगे जब तक ये धूप है, क्योंकि एक बार धूप नीचे हो गई
खत्म भाई, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लगी दाड़ी? नहीं नहीं नहीं। ओ मैन, अरे बाप रे, हाँ हाँ ठीक है, बच गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। गिरेंगे तब भी तो उठेंगे। एक पकड़िए, हाँ चलिए, थैंक यू सो मच मैन। ये भागते हुए आ गए, बचा लिया इन्होंने मुझे, थोड़ा मेरी स्पीड ठीक थी इसलिए मुझे लगा नहीं कुछ। ये देखो फिर से क्या रोड है ना, ये ऐसा खतरा रोड है ना, यहाँ से कभी भी रॉक्स पत्थर नीचे गिर सकते हैं। लेफ्ट में सीधा नदी और लेफ्ट में हमारा एक छोटा सा झरना। भाई 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 भाई, क्या रोड है ये, और ऐसे ही कम से कम 10-15 किलोमीटर है। वापस मिट्टी में जा रहा हूँ मैं, देखो इतनी मेरे में चर्बी आ गई है। थोड़ा हल्का और हल्का, नहीं 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 टूटेगा, थोड़ा सा और हल्का सा एकदम खींच दीजिए ना, हल्का सा, बढ़िया। ये एल्यूमिनियम के होते हैं ना। हाँ, सुबह से इतनी सारी ट्रेजेडीज हो रही है ना, एक बार तो मैं गिरा, उसके अलावा दूसरी बार बाइक पार्क थी, मैं बैठा हुआ था अच्छे से तब भी मैं गिर गया, और अब जो ट्रेजेडी हुई है ना, लाइक गाड़ी चलते चलते मेरा टायर फट गया, पीछे का टायर है ना मेरा एकदम फट ही गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई टायर ही अपन डायरेक्टली चेंज कर देंगे, नया टायर ही डाल देंगे। मैंने एकदम लाइक पता ही नहीं चल रहा यार सुबह से आज हो क्या रहा है मेरे साथ में, एकदम थका रही हूँ यार मैं। ये इतना बुरा दिन नहीं बोलूँगा, नया टायर लग रहा है अच्छी बात है, बट स्टिल यार टायर फट गया। अगर मेरी स्पीड अबाउट 70-80 होती, मैं ना ऐसे गुलाटी मारते हुए गिरता, जैसलमेर में जैसे था ना वो हुआ था उनका, सेम वैसे मेरी हाल हो जाती, बट लेकिन मेरी स्पीड कम थी इसलिए मैं बच गया। पूरा टायर चेंज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं यार कहानी, वही डायरेक्ट गाड़ी का हाल देखो यार। और ये भी मेरा है ना टेढ़ा हो गया था, तो इसको भी सीधा किया एंड ये चेंज किया था यार, ये फिर से टूट गया। आज सुबह से इतनी ट्रेजेडीज हो रही है, दो बार गिर गया मैं, टायर फट गया एंड उसके बाद में मेरी बाइक की बैटरी डेड हो गई है। यू कैन सी माई बाइक इज़ पार्क्ड ओवर हियर। ये रास्ता है, कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज मैं घाट में कहीं पर तो रुक गया हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पर हूँ मैं, बट मैं रुक गया हूँ। ये देखो मेरी बाइक, यू कैन सी इट्स नाउ ऑन, बट लेकिन मैं जब ऑन कर रहा हूँ मेरी बैटरी शायद से डेड हो गई है। और यहाँ पर बहता हुआ पानी है, ये एक शॉप दिख गई मुझे, तो थोड़ा सा मैंने ना इसे अपहिल पुश किया एंड आ गया। आई नो दिख रहा तो कुछ नहीं है, बट लेकिन ये ऑल ऑफ सडन हो गया, मेरी फट के चार हो गई है, बट स्टिल कैसे तो यहाँ पर कैंप करना पड़ेगा और सोना पड़ेगा, और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि अगर मैं आगे धक्का देते हुए और बाइक को लेकर गया तो मुझे पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा है, बट ठीक है। एंड दुख की बात पता है क्या है, मैंने सोचा था मैं कुछ खाऊंगा आगे, बट लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, मैं सिर्फ 3 स्निकर्स पर हूँ। लकीली मेरे पास और 6-7 स्निकर्स है, रात उस पर निकल जाएगी, बट अपनी बच गई है यहाँ पर पैंट, कोई ना
सुबह जल्दी हो जाएगी। मेरी आँखें ना सुबह 6 बजे खुल गई और मेरी बाइक एक्चुअली बंद ये पॉइंट पर हो गई थी और ये पूरा ऐसा एरिया है। रात के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने मेरा यहाँ पर टेंट लगाया था। बाइक यहाँ पर है, मैंने बैटरी निकाल ली है, यू कैन सी बैटरी निकाल कर रह रही है। और जो नदी बह रही है यहाँ पर वो ये है, बस इतना है। लकीली मुझे यहाँ पर एक लोकल मिल गए। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे बैटरी चार्ज कराने के लिए जाने गए, तो मैंने सोचा सामान सारा लेकर बाइक को यहाँ पर रख कर बैटरी लेकर चार्ज करा देंगे एंड विल बी बैक। सुबह सुबह 6 बजे ना मुझे ये भाई मिले थे, भाई थैंक यू सो मच, आप थे इसलिए मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया भाई, थैंक यू सो मच भाई। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बट लेकिन आई कैन जस्ट से थैंक्स मैन। पता है 9 किलोमीटर आगे शॉप है, तो मैं इनके साथ इनके बाइक पर आया हूँ बैटरी निकाल कर। जस्ट थैंकफुल भाई, रियली थैंक यू यार। बैटरी यहाँ पर चार्ज है, बस अभी सिर्फ डालना है एंड आई होप बैटरी के अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो यार, बस बहुत हो गया। जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड फिर 1, 2, 4। बैटरी टाइट हो गई है एंड आई होप हो गई है। गणपति बप्पा मोरिया, हो गई चालू। ऐसे 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 हाथ, ये क्या हो गया? हो जाएगी अभी अभी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, लानी पड़ेगी। हो गई चालू हो गई। अभी यहाँ पर जो नदी थी ना जहाँ पर पानी बह रहा था ऊपर से अपने को आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, 11:30 बज गए और अभी मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। कल से इतनी सारी ट्रेजेडीज साला। सबसे पहले अपन गिरे, मेरी बाइक खड़ी थी और मैं ऑटोमेटिकली गिर गया, 2 बार गिर गया कल मैं। उसके बाद मैं चलते चलते मेरा टायर फट गया, मैंने दोनों मेरे टायर्स जो थे ना चेंज कर दिए, वो तो मैं बताऊंगा यार आने वाले व्लॉग में, वो मैं दिखा दूंगा। मेरा टायर फट गया, मेरी बैटरी डेड हो गई। साला इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक ही दिन में। ठीक है कोई ना, ये सारी बातें बाद में हमें याद आने वाली एज ए गुड मेमरी व्हाट वी हैव ओवरकम। लाइक ये सारी चीज़ें तो अपने को बाद में किक देने वाली है। मज़ा आ गया, एक बहुत ही अच्छी बात बतानी है, मतलब लाइक अच्छी बात इन सेंस तारीफ़ करनी चाहिए यार ये लोगों की। यहाँ पर जो थे, जो पहला स्टॉल था उनका, जो अंकल थे, उन्होंने मुझे चपाती सब्ज़ी और पराठा दिया खाने के लिए, जब उनको पता चला कि मैंने रात को कुछ खाया नहीं था। एंड उसके बाद में उसके बाजू वाले जो थे उन्होंने मुझे केला दिया था एंड देन सुबह चाय पिलाई थी। लाइक बाहर बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें बाहर निकलना है और ऐसे किसी सिचुएशन में अटकते हो, डरना नहीं है, हेल्प के लिए मांगना है। रात के टाइम पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था बिकॉज इट वॉज नाइट एंड घाट में रात के टाइम पर कोई, अगर मुझे भी कोई रुकाएगा मैं रुकूंगा नहीं, अनलेस एंड अंटिल आई सी समथिंग लाइक कुछ हो गया वहाँ पर। बस अब वापस ऊपर जाना है यार, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करना है, बट लेकिन फ्रेश होकर ठंडा पानी में मज़ा आ गया। ये जो शॉल पर थे ना, इन्होंने मुझे रोटी दी थी एंड भैया थैंक यू सो मच, बहुत याद आएगी ये जगह मुझे, मैं नहीं भूलूंगा। बिल्कुल पूरी बात गुजारी है। ऊपर आने के बाद में ना मुझे एक और बात रियलाइज़ हुई कि ये मेरा चश्मा कहीं पर गिर गया, और मेरा चश्मा वो बहुत ही फेवरेट था, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस था उसके साथ। ये टायर है जो मैंने डाले है, इसके बारे में बात करेंगे आने वाले व्लॉग में। बट लेकिन कल का दिन 29 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नहीं भूलने वाला, बहुत कुछ हो गया वो दिन में साला। बट नाउ वी आर रेडी टू गो। एक्चुअली कमाल की बात पता है क्या, जब मैं गिरा था वहाँ पर, तो गिरने के बाद में ना मैं कुछ तो सोच रहा था, सोचते ना मैंने डेस्टिनेशन ही मेरा चेंज कर दिया। तो अभी जो जहाँ पर अपन जा रहे हैं, जो अपना डेस्टिनेशन है, नारकंडा नहीं है, कोई और जगह है, पता चलेगा आने वाले ब्लॉग में। बट मेरा चश्मा गिर गया यार, बहुत अच्छा चश्मा था वो। कल हुआ क्या, मुझे ना ऐसे सीधे जाना था, बट लेकिन गूगल मैप ने ना मुझे नीचे का रास्ता दिखा दिया। क्या बोल रहे अब गूगल मैप को, गूगल मैप इज नथिंग बट स्कैम, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा चश्मा घूम गया, वो अच्छे के लिए नहीं हुआ है।